अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास एट आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर नाइन का टॉपिक एसिड एंड मेटल कार्बोनेट्स तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर नंबर नाइन सॉल्ट उसका टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं आज एसिड एंड मेटल कार्बोनेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं तो कार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं ओके किससे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तो इन्हें आप कहते हैं कार्बोनेट्स अब अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो लाइमस्टोन लाइमस्टोन जैसे कि सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट अब कैल्शियम कार्बोनेट में भी क्या क्या इंक्लूड है कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन ओके इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन इंक्लूड है दैट्स वाई ये भी एक कार्बोनेट है लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट ओके अब हम एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स

ये रिएक्टेंट्स हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं दैट इज मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो ये था एक जनरल रिएक्शन और ये रिएक्शन जो है ये रूम पर भी हो जाता है इसके लिए कोई हीट रिक्वायर्ड नहीं होती और इसके अलावा यहां पर एक लाइन लिखी है फिजिंग और एफर साउंड इज हर्ड फिजिंग फिजिंग की स्पेलिंग यहां गलत है ये मैं करेक्ट कर लू फिजिंग एफ आई डबल जेड आई एन जी फिजिंग और एफरवि मीन लाइक बबल जब बनते हैं उनका जो साउंड होता है तो उस तरह का साउंड भी आपको सुनाया दिया जाएगा जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रियक्ट करेंगे आई okay? होप आपको एसिड और मेटल कार्बोनेट का जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब हम उनको रेक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गिव ऑफ कर जाती है और वॉटर क्लियर? अब हम एक कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट डिस्कस करते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर प्रेजेंट है या नहीं सो नाउ अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ये भी कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस गैस है ना तो इसका कोई रंग है और ना ही इसकी कोई स्मेल है ओके ये ऑर्डरलेस और कलरलेस होती है सो so, हम ये कैसे बता सकते हैं कि एक जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है तो उसके लिए एक टेस्ट यहां पर मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड रेक्ट विद लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स सी ओ टू रेक्ट विद लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड ओके सी एच टॉइस कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल एंड लाइम वॉटर टर्नस मिल्की। इस टेस्ट में हम करेंगे क्या हम एक ट्यूब में हम कार्बोनेट और एसिड लेंगे कार्बोनेट एंड एसिड इनके रिएक्शन से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी अब लेट्स सपोज यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर वो ऊपर की तरफ जा रही है अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर से काफी ज्यादा भारी होती है हेवियर होती है तो उस गैस को हम एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं यहां पर ये ट्यूब जो है ये इस फ्लास्क से होकर ये दूसरे फ्लास्क में जा रही है तो यहां पर हम कहेंगे इस ट्यूब के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करवा रहे हैं दूसरे फ्लास्क में तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क में आएगी तो इस फ्लास्क के अंदर एक लाइम वॉटर है और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ट्यूब में आएगी तो इसका जो लाइम वॉटर का जो कलर है वो मिल्की फॉर्म में बन जाएगा तो दैट शोज कि ये गैस कौन सी है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्लियर आई होप आपको ये टेस्ट समझ आ गया होगा अब हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट्स की सो so, अब एक एसिड जो है वो रिएक्ट हो रहा है मेटल कार्बोनेट से हम एक रिएक्शन स्टडी करते हैं जो आपकी बुक में है दैट इज रिएक्शन बिटवीन लेड कार्बोनेट एंड नाइट्रिक एसिड अब लेड कार्बोनेट जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो किस तरह से वेल लेड कार्बोनेट इज एडेड टू अ नाइट्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बबल ऑफ आपने एक फ्लास्क लेना है और उस फ्लास्क के अंदर आपने नाइट्रिक एसिड के अंदर आपने लेट कार्बोनेट ऐड करना है ओके okay? अब जैसे ही हम उस नाइट्रिक एसिड के अंदर हम लेट कार्बोनेट ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी और वो बबल्स बनकर वहां से इस फ्लास से बाहर की तरफ निकल जाएगी क्लियर सो सेकेंड पॉइंट इनफ लेट कार्बोनेट मस्ट बी एडेड टू रिएक्ट विद ऑल ऑफ द एसिड हम इतना कार्बोनेट उसमें ऐड करेंगे उस नाइट्रिक एसिड वाले सॉल्यूशन में कि वो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो उस सारे कार्बोनेट को डिजोल्व कर लेगा ओके अब जितना वो डिजोल्व करता जाएगा आपने अप करते जाना है लेकिन जैसे ही वो फर्दर डिजोल्व करना बंद कर देगा वहां पर आपने लेट कार्बोनेट को फर्दर एड नहीं करना ओके द थर्ड पॉइंट एनी लेट कार्बोनेट दैट हैज नॉट रिएक्टेड इज रिमूव बाई फिल्टिंग अब वो लेट कार्बोनेट जो कि उस नाइट्रिक एसिड वाले सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं हुआ उसको आप रिमूव कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन और आप ये देख रहे हैं कि एक लेट नाइट्रेट सोल्यूशन जो है उसको फिल्ट्रेट कर दिया गया है उसमें जो कार्बोनेट था वो जो डिजॉल्व नहीं हो रहा था जो रिएक्ट नहीं कर रहा था उसको फिल्टर आउट कर दिया गया है ट इज केयरफुलटेड टू एवेपोरेट द वॉटर अ वाइट कंपाउंड इज लेफ्ट बिहाइंडिस कंपाउंड इज लेट नाइट्रेट अब जो सोल्यूशन आपके पास रह जाएगा उसको हम फर्दर हीट करेंगे और उसको फर्दर हीट करने से क्या होगा उसमें जितना भी पानी मौजूद है वो पानी सारा का सारा एवेपोरेट हो जाएगा और जैसे ही वो एवेपोरेट होगा तो एक वाइट कंपाउंड आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा और वो वाइट कंपाउंड जो है वो क्या है वो लेड नाइट्रेट है क्लियर आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब एक लेड कार्बोनेट एक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है एक एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस तरह से एक मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गिव ऑफ कर जाती है और इसके साथ हम वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम किस तरह से एवेपोरेट करते हैं आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब हम स्टडी करते हैं इसको थ्रू रिएक्शन लाइक आप देख सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लेड कार्बोनेट तो जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मैंने ड्रॉ किया है सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू एच एन ओ थ्री मीन्स इसमें टू जो है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं दिस like ये इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और NO3 के भी दो कंपाउंड्स मौजूद हैं जैसे कि ये और ये जो बीच में सर्कल है, नाइट्रोजन और इसके सराउंडिंग में जो है तीन ऑक्सीजन जो है अटैच है तो ये दो कंपाउंड है NO3 के प्लस लेड कार्बोनेट अब यहां आप देख सकते हैं जो ये सर्कल है दिस शोज लेट Pb एंड कार्बोनेट मीन्स CO3 ओ थ्री तो सेंटर जो सर्कल है ये कार्बन को शो कर रहा है और ऑक्सीजन के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो साथ इसके अटैच हैं क्लियर सिमिलरली अब इससे बन क्या जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट किस तरह से यहां से ये लेड जो है ये मिल जाएगा इन दो नाइट्रेट के साथ ओके okay? तो जहां पर हमारा नीचे लेड कार्बोनेट था पीबीसी ये बन जाएगा अब फर्दर लेड कार्बोनेट यहां से पीबी रिमूव होगा और पी बी मिल जाएगा इस नाइट्रेट के साथ तो अब ये पी बी जो है ये इन नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा NO3 थ्री ट्वाइस क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स थे तो दो मॉलिक्यूल्स अब इस लेड के साथ मिल जाएंगे तो लेड के साथ ये दो मॉलिक्यूल्स मिल गए तो ये बन जाएगा एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस रिजल्ट में साथ क्या निकलेगा दैट इज सी ओ टू यहां से सी ओ टू तो ये मॉलिक्यूल आप देख सकते देख सकते हैं दैट इज सी ओर टू प्लस यहां पर एक ऑक्सीजन रह जाएगा और यहां पर दो हाइड्रोजन रह गए थे तो ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन यहां से मिलकर ये बना देगा वाटर विच इज एच टू ओ तो आप यहां से देख सकते हैं यहां पर ये दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहां बन जाएगा एच टू ओ क्लियर होप इस रिएक्शन से ये कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी वहां पर फॉर्म हो रहे हैं अब इसी पेज पर एक डिड यू नो का बॉक्स दिया गया है और अब इसको हम स्टडी करते हैं इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू मार्बल चिप सी ए थ्री कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन सून स्टॉप बिकॉज इट फॉर्म कैल्शियम सल्फेट विच इज इनसॉल्यूबल एंड फॉर्म अराउंड द मार्बल चिप अब जैसे ही आप एक सल्फ्यूरिक एसिड एक मार्बल चिप के ऊपर आप डालते हैं तो फॉरन से ही वहां पर वो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को उस मार्बल चिप के ऊपर एड करने से उसके ऊपर एक कैल्शियम सल्फेट की लेयर जो है वो बन जाती है और जो कि इनसोल्यूबल है अब जो इनसोल्यूबल है तो वो उस मार्बल चिप के ऊपर एक लेयर बना लेती है वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर रिएक्ट होने से क्लियर आई होप आपको ये बॉक्स समझ आ गया होगा अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे घरों में जब केक हम बनाते हैं तो वो केक किस तरह से फूल जाता है सो कार्बोनेट्स एंड बेकिंग सोडा अब नॉर्मली जो हमारे घर में केक बनता है वो किससे बनता है वो फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर से मिलकर बनता है अब इसमें अगर हम बेकिंग पाउडर को डिस्कस करें तो बेकिंग पाउडर जो है ये बाय कार्बोनेट्स ऑफ सोडा और क्रीम ऑफ टार्टार से मिलकर बना होता है क्रीम ऑफ टार्टार क्या है दैट इज टार्टारिक एसिड ओके और बाय ऑफ सोडा को डिस्कस करें दैट इज सोडियम बायकार्बोनेट ओके तो ये फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट अब ये बेकिंग पाउडर मिलकर बना होता है और इट इज टू मेक केक राइज हैकिंग वेन बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा इज हेटेड और रिएक्ट विद एन एसिड सी ओ टू इज गिवन ऑफ दिस सी ओ टू मेक्स द केक राइस अब होता क्या है कि ड्यूरिंग कुकिंग जब हम केक को हीटअप कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर मौजूद है और बेकिंग पाउडर का मतलब क्या है कि उसमें बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा जो है वो मौजूद है जब बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा को आप हीट करते हैं या आप उसको किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं उसके रिजल्ट में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये उस केक को फुला देती है दैट्स हमारा केक जो है वो फूल जाता है और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्लियर आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम जो घरों में केक बनाते हैं वो किस तरह से फूल कर बड़ा हो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसको फूल कर बड़ा कर देती है क्लियर अब इसी पेज पर लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सो so, क्वेश्चन नंबर वन विच एलिमेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या कंटेन करता है दैट इज कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज एच टू ओ क्लियर क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द वर्ल्ड इक्वेशन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड लेड ऑक्साइड तो इसको हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड का जब लेड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा लेड नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट इज एच टू ओ तो इससे ये सब कुछ बन जाएगा तो इसका रियक्शन जो है वो आप लेक्चर से नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इफ अ लाइटेड स्प्लिंट इज पुट इन टू कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लेम गोज आउट जब आप लाइटेड स्प्लिंट को कार्बन डाइऑक्साइड में रखते हैं तो क्या होता है कि वो फ्लेम जो है वो फौरन से बुझ जाता है वाई इज दिस नॉट अ वेरी गुड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट को चेक करने के लिए ये एक अच्छा टेस्ट क्यों नहीं है बुझ गया हो बी क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ मोर सुटेबल टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने अपने लेक्चर में भी स्टडी किया है दैट इज उसको लाइम वॉटर में पास करते हैं और वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इट शोज के वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो यही इसका सबसे ज्यादा सुटेबल टेस्ट है okay? Now, तो बेकिंग पाउडर क्या है बेकिंग पाउडर इज द बाय कार्बोनेट ऑफ सोडा दैट इज एन एच सी थ्री प्लस क्रीम ऑफ टाटा दैट इज टाटारिक एसिड तो यह है बेकिंग पाउडर एक्सप्लेन हाउ बेकिंग पाउडर मेक्स केक राइस जब हम बेकिंग पाउडर को हीटअप करते हैं तो उसके हीटअप करने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो केक को राइज कर देती है उसको वो फुला देती है क्लियर आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे और ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज